बस्मिल्ल प्यारे दोस्तों सलीबी जंगों के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा मगर आज की इस वीडियो में हम खासूसी तौर पर ईसाइयों के बेताज बादशाह रिचर्ड वन की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बेबसी की एक झलक पेश करेंगे ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो तारीख में दिलचस्पी रखते हैं इंतहाई अहम है इनके अलावा वो लोग जो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हैं ये वीडियो देख लेने के बाद उनके दिलों में इस्लाम की अजमत और बढ़ जाएगी रिचर्ड वन द किंग ऑफ इंग्लैंड जिसे ईसाई दुनिया शेर दिल रिचर्ड के नाम से याद करती है ईसाइयों का एक अजीम बादशाह गुजरा है उसे उसकी बहादुरी और जंगी तजुर्बे की बुनियाद पर शेर दिल के लकब से याद किया जाता है मगर यकीन जानिए जिसे ऐसाई आज शेर दिल कहकर पुकारते हैं वो अपने दौरे में सुल्तान रहमा के सामने भीगी बिल्ली की हैसियत भी नहीं रखता था बिलाशुबा उसके जंगी कारनामों की एक तवील फहरिस्त बयान की जाती है मगर उसे शेर दिल कहना सच्चाई को दफन करने के मुतरदफ है क्योंकि तारीख गवाह है कि उसमें फरेब और रयाकारी के अलावा दर्जनों ऐसी खराबियां मौजूद थीं, जो उसके शेर दिल होने पर सवालिया निशान है ये इंतहाई खुद पसंद इंसान था और अपनी बात की तरदीद गवार नहीं करता था ये वो वक़्त था कि जब सुल्तान सलाहुलद्दीन ऐबी बैतलमक़दस को आज़ाद कराने के बाद वहाँ के इंतजामों देख रहे थे दूसरी तरफ ऐसाई पादरी और सपाही पेश कदमी करके यरूशलम के मुहासरे के लिए रिचर्ड को उकसा रहे थे मगर ये शेर दिल रिचर्ड सुल्तान सुल्तानी पर किसी सूरत हमला नहीं करना चाहता था बल्कि उल्टा उनको ये कहते हुए टाल रहा था तुम्हारी नजरें सिर्फ यूशलम पर मरकूज हैं, मगर मेरी आँखें पूरे यूरोप को देख रही हैं, क्योंकि मुझे खदशा है कि अगर हम दोबारा हमले के लिए आगे बढ़े तो सुल्तान का रुख यूरोप की तरफ हो जाएगा मगर उसकी इस बात को कोई पादरी मानने को तैयार था और ना ही सिपाही इस रिचर्ड ने दिल बर्दाश्ता होकर सलीबी जंग की से इस्तीफा दे दिया और कहने लगा अगर फौजी कौंसल सुल्तान पर हमले का फैसला करती है तो मैं एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ूंगा क्योंकि ये नाकामी की बदनामी जो मुझे नजर आ रही है मैं अपने गले नहीं डाल सकता अलगरज ये बहसो मुबाहिसा सारी रात जारी रहा अगली सुबह होते ही रिचर्ड को ये इतला मिली कि मुश्तरका सलीबी फ़ौज के एक अहम कमांडर फ्रेंक ने जंग से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और अपनी फौज को लेकर रमला की तरफ कूच कर गया है यह खबर मिलते ही शेर दिल रिचर्ड हवास बाखता हो गया और साथ ही वो पादरी और सिपाही जो उसे जंग के लिए उकसा रहे थे ऐसे खामोश हुए जैसे सांप गया हो। अब सलीबी फौज की हैसियत रेत के जर्रात के बराबर थी जिसे सुल्तान जब चाहते कुचल डालते अब शेर दिल रिचर्ड ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक चाल चली उसे इस बात से अब कोई गरज नहीं थी कि सुलह के लिए कौन मजबूर हो वो तो बस ये चाहता था कि तीसरी सिलीबी जंग किसी भी तरह बराबरी पर छूट जाए ताकि वो यूरोप के दूसरे ममाल और अपनी राया मुंह दिखाने के काबिल हो सके चुनाचे उसने अपनी इस खुफिया हिकमत अमली के तहत सुलह के लिए शरायत नामा लिखा और एक वफद सुल्तान की तरफ रवाना कर दिया ये सुलहनामा और इसकी शराय खुफिया थी जो बाद में मंजर आम पर आ गई उसने लिखा मैं अपनी खूबसूरत बहन जीन को सुल्तान के भाई मलक आदल के लिए बतौर तोहफा पेश करता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दी जाए ताकि ईसाई और मुसलमान मिलकर यरूशलेम की निगरानी कर सकें इसके साथ ही सुल्तान अस्कलान और साहिल के दूसरे शहर अपनी भाभी को शादी के तोहफे पर दे दें और मजीद ये भी के सलीबुलसलबूत हमारी सबसे मुकदस सलीब हमारे हवाले कर दी जाए सुल्तान ने जब रिचर्ड की तरफ से भेजा गया ये सुलानामा पड़ा तो मुस्कुरा दिए और फिर खत का जवाब देते हुए लिखा जी यानी तुम्हारी बहन और मेरे भाई की शादी ऐसे ही है जैसे मैं अपनी शहर रग के करीब एक जहर आलूद खंजर रख कर भूल जाऊं, और फिर ही इस खंजर को मौका मिले वो मेरा काम तमाम कर डाले मुझे तुम जैसे जहीन इंसान से ऐसी अहम खाना पेशकश की तो थी सुल्तान ने बड़े शाइस्ता और महजब से ऐसा जवाब लिखा कि इंग्लिस्तान को जलील कर दिया कहा जाता है कि रिचर्ड की बहन जीन खदोखाल रखने वाली औरत थी एक तो वो हुसन से माला माल थी और दूसरा वो शाह इंग्लिस्तान की बहन थी लिहाजा हर ऐसाई बादशाह उसको आंखें बंद करके कबूल करने को तैयार था मगर रिचर्ड अपनी नाकामी को अपनी बहन के जरिए पूरा करना चाहता था जो कि आज भी ईसाई दुनिया का यही वतीरा चला आ रहा है अलगरज उसकी ये चाल कामयाब ना हुई तो उसने फिर खत लिखा और कहा मैंने सिर्फ यरूशलेम और एशियाई कोचक में अमन कायम करने के लिए अपनी बहन का रिश्ता देने का फैसला किया था लेकिन तुम रेजी के सिवा कुछ पसंद नहीं करते बहरहाल मैंने अपना फर्ज अदा किया अब मैं तुम्हें मजीद एक माह की मोहलत देता हूँ यरूशलेम खाली कर दो वगरना दो लाख ताज़ा सलीबी फौज अक्का के मकाम पर उतरने वाली है फिर मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या हाल होगा सुल्तान ने उसके खत का जवाब दिया और लिखा हम अहले ईमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमन पसंद इंसान हैं। अपने शहनशाह को बता दो कि मुसलमान असल और सिपाहियों की कसरत के बजाय बजायद हक पर यकीन रखते हैं पूरे यूरोप की फौजें तो आ चुकी अब तुम ऐसा करो अपने तमाम शहरियों को जंगी तरबियत दो फिर सब मिलकर अर्ज मुकदस का रुख करो मगर ये अमर तयशुदा है कि मैं अपनी जिंदगी में बैतुलमुद्दस खाली नहीं करूँगा मेरे बाद क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है अलगरज रिचर्ड की यह तदबीर भी नाकाम हो गई क्योंकि दो लाख ताज़ा सलीबी फौज की तो सिर्फ अफवाह ही थी असल में तो वो खुद भी अब सुल्तान से लड़ना नहीं चाहता था और सुलह नामे बेच कर सुलह करने की कोशिश कर रहा था कि किसी सूरत अपनी राया को मुंह दिखाने के लायक हो जाऊं चुनाचे उसने तीसरा वफद फिर सुल्तान अय्यूबी अयबी रहमा की खिदमत में भेजा और आपके सुलह की तमाम शराय भूल कर सिर्फ इस पर उतर आया कि हमें दरख्वास्तर वापस कर दी जाए ताकि मैं अपनी काम में जाकर बता कि मुकद्दस सलीम मैंने वापस छीन ली है सुल्तान ने उसकी ये पेशकश भी ये कहते हुए रद्द कर दी तुमसे पहले जॉर्जिया और कस्तुन तुनिया के बादशाह भी मुझे इस सलीब के बदले बड़ी बड़ी रकमों की पेशकश कर चुके हैं तुम भी जान लो कि मैं बुतों और शिरक परस्ती की निशानियों की तजारत नहीं करता बिल आखिर शेर दिल रिचर्ड ने अपने हर मुतालबे को तर्क कर दिया और मजबूर होकर सिर्फ एक मुतालबा करने लगा कम अज कम ईसाई जयरीन को मुकद्दस की ज्यारत की ही इजाज़त दे दी जाए इस आखिरी मुतालबे के जवाब में सुल्तान ने कहा शायद रिचर्ड को मालूम नहीं की ईसाई जयरीन पर बैतुलमुद्दस के हवाले ऐसी कोई पाबंदी नहीं वो जब चाहे अपने मकामसा की ज़ियारत के लिए यरूशलेम आ सकते हैं और इस सिलसिले में सुल्तान ने एक तहरीरी दस्तावेज भी लिख कर रिचर्ड के हवाले कर दी फिर तारीख ने वो दिन भी देखा कि यही शेर दिल रिचर्ड जब ना, ना मुराद होकर इंग्लिस्तान की तरफ लौटने लगा तो अपने घोड़े पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस की तरफ देखकर जारो कतार रो रहा था और साथ कह रहा था, था मैं फिर आऊँगा मगर वो दिन गुजरा तो वो, गुजरा। तो वो कभी वापस पलट ना सका मनकूल है, है। कि उसके लश्कर की रवानगी के वक्त, वक्त, वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन रहमा सलाह उस मुकाम पर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस थे जहाँ मुकद्दस में दाखिल होने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने पहली नमाज अदा की थी अल्लाह पाक उन पर अपनी करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाए अल्लाह हमारा हामी नासिर हो आमीन